मैं कीर्ति परोहा, कक्षा 11वीं के जीव विज्ञान की क्लास में आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। बच्चे, इसके प्रीवियस वीडियोस में हमने आपको अध्याय एक, जो कि यूनिट 1 के अंतर्गत आता है, उसके क्वेश्चन आंसर और उसको बहुत अच्छे से समझा था। आज हम एक बार पुनः उसी अध्याय से रिलेटेड जो MCQs हैं, अर्थात बहुविकल्पी प्रश्न उत्तर है, उनको सॉल्व करेंगे। तो चलिए बच्चों, चलते हैं अपन। देखते हैं हम पहला प्रश्न। पहला प्रश्न देखते हैं आपका बहुविकल्पी प्रश्न उत्तर में से। सजीव तथा निर्जीव के मध्य किस स्तर पर भिन्नता स्थापित होती है, मतलब हम किस स्तर पर उन दोनों के बीच में डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं। आंसर 1, परमाणु स्तर पर। 2, आणविक स्तर पर। तीसरा, कोशिकीय स्तर पर। और चौथा है ऊतकीय स्तर पर। तो इसका सही आंसर है 2, आणविक स्तर पर। दूसरा क्वेश्चन देखें, सभी समजीव एक दूसरे से जुड़े होते हैं क्योंकि, देख रहे हैं आप सब, सभी समजीव एक दूसरे से जुड़े होते हैं क्योंकि इसमें एक ही किस्म का सामान्य अनुवांशिक पदार्थ पाया जाता है। यह सामान्य अनुवांशिक पदार्थ की हिस्सेदारी करते हैं, परंतु हिस्सेदारी की डिग्री या मात्रा अलग अलग होती है। सभी में सामान्य कोशिकीय संगठन होता है। और चौथा है उपरोक्त सभी। इसका सही आंसर है चौथा, उपरोक्त सभी। अब देखते हैं अपन नेक्स्ट क्वेश्चन। यह आप नोट कर लीजिए अपनी नोटबुक में। इसके बाद हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 3, निम्न में से कौन सा सजीव जीवों का ऐसा अभिलक्षण नहीं है जिसके आधार पर उनकी परिभाषा की जाती है, मतलब ऐसा कौन सा लक्षण है जिस पर हम सजीवों की परिभाषित कर सकते हैं और किस लक्षण के आधार पर उनको परिभाषित नहीं कर सकते। पहला, वृद्धि। दूसरा, ध्वनि उत्पन्न करने की सामर्थ्य। तीसरा, जनन। और चौथा है बाह्य उद्दीपन के प्रति अनुक्रिया करना। तो इसमें से जो दूसरे नंबर का है, ध्वनि उत्पन्न करने की जो सामर्थ्य है, वो निर्जीवों में भी पाई जाती है। तो इसके आधार पर हम सजीवों की लक्षण नहीं मान सकते। चौथा क्वेश्चन देखें बच्चों, वर्गीकरण विज्ञान इनमें से किससे संबंधित है। ध्यान से देखिएगा आप लोग, जिसमें सारी चीजें आ जाएं। पहला, पादपों तथा प्राणियों की पहचान तथा वर्गीकरण। दूसरा, पादपों तथा प्राणियों की नाम पद्धति तथा पहचान। तीसरा, जीवों की किस्मों की विविधता तथा उनमें आपसी संबंध एवं पहचान। यहाँ आएगा पहचान, यहाँ आप लोग इसको ऐड कर लेना। चौथा है भिन्न किस्मों के जीव तथा उनका वर्गीकरण। तो यहाँ इसका सही आंसर है जीवों की किस्मों की विविधता तथा उनमें आपसी संबंध। पांचवा क्वेश्चन देखेंगे बच्चों अपन, द्विनामकरण पद्धति प्रतिपादित की थी। पहला, कैरोलस लीनियस ने। दूसरा, बेंथम एवं हुकर ने। तीसरा, एंगलर एवं प्रांटल ने। चौथा, हचिनसन ने। लेकिन इसमें द्विनामकरण पद्धति का जो सही आंसर है वो है कैरोलस लीनियस ने। छठवां क्वेश्चन देखेंगे बच्चों हम, सिस्टेमा नेचुरी नामक पुस्तक किसने लिखी। मैंने आपको अपने प्रीवियस वीडियो में ये सारी चीजें बहुत अच्छे से डिस्कस की थी। तो इसका देखते हैं आंसर क्या दिए हैं। पहला, जॉन रे। दूसरा, कैरोलस लीनियस। तीसरा, थियोफ्रास्टस। और चौथा, डार्विन। लेकिन इसका सही आंसर है अगेन कैरोलस लीनियस। सिस्टेमा नेचुरी नामक जो पुस्तक है वो कैरोलस लीनियस ने लिखी थी। अब देखते हैं अपन नेक्स्ट क्वेश्चंस की तरफ चलते हैं बच्चों। अगेन सातवां क्वेश्चन देखें, जेनेरा प्लांटेरम पुस्तक के लेखक हैं। इस बुक को किसने लिखा था। पहला, एंगलर एवं प्रांटल। दूसरा, कैरोलस लीनियस। तीसरा, बेंथम एवं हुकर। और चौथा, इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर है बच्चों कैरोलस लीनियस, अर्थात जेनेरा प्लांटेरम पुस्तक के लेखक है कैरोलस लीनियस। एट नंबर का क्वेश्चन देखो बच्चों,
निम्नलिखित में से आप वंश किसे कहेंगे, किसको अपन वंश के रूप में परिभाषित करेंगे? पहला व्यक्तिगत पादप अथवा प्राणी, दूसरा पादपों अथवा प्राणियों का संग्रहण, तीसरा है घनिष्ठता संबंधित पादपों अथवा प्राणियों का समूह, चौथा इनमें से कोई नहीं। इसमें सही आंसर है घनिष्ठता संबंधित पादपों अथवा प्राणियों का समूह। नेक्स्ट क्वेश्चन देख, जंतु विज्ञान का पिता कहा जाता है। तो
विज्ञान का पिता किसको माना जाता है फिर? प्रियव्रत को, यह हम आपको पहले पढ़ा चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, काली स्थान को आधुनिक वर्गीकरण का पिता कहते हैं। अभी कई बार आया और आप सबको बहुत अच्छे से याद हो गया होगा, उनका नाम है कैरोलस लीनियस। का नाम सबको बहुत अच्छे से याद है, कैरोलस लीनियस को आधुनिक वर्गीकरण का पिता कहते हैं। 7वें नंबर का प्रश्न देखो, जीव विज्ञान में द्विनाम पद्धति हरे स्थान द्वारा प्रतिपादित की गई, इसका भी आंसर अगेन वही है, कैरोलस लीनियस के द्वारा द्विनामकरण पद्धति प्रतिपादित की गई। हालांकि इसमें बहुत सारे अन्य वैज्ञानिकों का भी सहयोग रहा, लेकिन प्रमुख श्रेय जो है वो कैरोलस लीनियस को जाता है। क्वेश्चन नंबर 8 देखें, वनस्पति उद्यान में खाली स्थान पौधों का संग्रहण होता है, यहाँ पर आंसर है जीवित पौधों का संग्रहण होता है। तो अजीवित पौधे जो है स्पेसिमेन किसमें रखे जाते हैं? हर्बेरियम में, जैसा कि मैंने आपको बताया था। 9वां क्वेश्चन देखो, चिड़ियाघर में खाली स्थान प्राणी रखे जाते हैं, बिल्कुल सिंपल, जीवित प्राणी रखे जाते हैं। 10वां, प्राणी उपवन में प्राणियों को उनके प्राकृतिक आवास वाली परिस्थितियों में रखा जाता है, तो यहाँ पर आंसर क्या जाएगा? प्राकृतिक आवास। प्राणी उपवन में प्राणियों को उनके प्राकृतिक आवास वाली परिस्थितियों में रखा जाता है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर, इसको पहले हम आंसर की आंसर हटा देते हैं ताकि आपको रिवीजन करने में दिक्कत न जाए। देखते हैं अपन नेक्स्ट क्वेश्चन, क्या नंबर का क्वेश्चन देखो, गिर वन में खाली स्थान का संरक्षण होता है, आंसर हो जाएगा शेरों का। गिर जो उद्यान है, राष्ट्रीय उद्यान, उसमें शेरों का संरक्षण होता है, हमें गुजरात में है। वर्गीय कुंजी जीवों को पहचानने में खाली स्थान होती है, तो वर्गीय कुंजी जो होती है वो जीवों को पहचानने में सहायक होती है। तो ये थे बच्चों हमारे ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन आंसर, इन पर बेस्ड आपके टेस्ट भी लिए जाने हैं, तो आप इन सबको बहुत अच्छे से याद करिए और तैयार करिए। साथ ही साथ आपको असाइनमेंट प्रोवाइड किए जाएंगे जो कि आपको पढ़ाए गए वीडियोस और दिए गए क्वेश्चन आंसर्स पर बेस्ड रहेंगे। थैंक यू बच्चों।